अभी आएगा कुछ मैनपुरी से दोबारा सांसद बनने के बाद पहली बार आप पहुंचे हैं मैनपुरी कार्यालय, जन सुनवाई की है, कई लोगों ने ज्ञापन भी दिए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं सबसे? बहुत सारी दिक्कतें हैं जहां यहां पे हमें सिपाही जेआरडी है, जो सिपाही लोग हैं जिन्होंने हमें अपना ज्ञापन दिया है, जिनकी रोज की जो उनको आय मिल रही है वो 375 रुपए तक मिल रही है। पंजाब पुलिस कोर्ट का भी आदेश है कि जितनी पुलिस को मिलती है वेजेस उतना ही उनको भी मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है सरकार की तरफ से हमारे बिहारी के सेना वालों की। और इसी के साथ मैं समझती हूँ किसान यूनियन भी यहाँ पे मौजूद है, जो किसानों के हक सम्मान अधिकार के लगातार लड़ रहे हैं, जो एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं, और जिस तरह की दुविधा और असुविधा किसानों के सामने आज खड़ी है, मैं समझती हूँ जहाँ लोगों ने पूरा साथ और समर्थन दिया है और एक मजबूत विपक्ष आज खड़ा है, तो हम सब मिलके किसान भाइयों की, अपने जवान भाइयों की, अपनी माताओं बहनों की और अपने नौजवान साथी की लड़ाई लड़ेंगे। मैम क्या प्राथमिकता रहेगी इस बार इस कार्यकाल में आपकी मैनपुरी के लिए, तो लोगों को रोजगार कैसे मुहैया कराने वाले हैं या कुछ और कुछ नया आ रहा है? मैं समझती हूँ सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो सरकार 10 साल से है और जिसका 10 साल का कार्यकाल दूसरी सरकार का पूरा हो रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के अवसर युवाओं को उपलब्ध कराए, इस तरह का माहौल बनाए जिससे अवसर बने, युवाओं की नौकरी के मिले, रोजगार मिले। तो ये सरकार हर तरीके से नाकाम साबित हुई है और आने वाले समय में इस प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए लोग सरकार बदलने का काम करेंगे। हाथरस घटना पर राज्यपाल महोदय ने कहा है कि इस तरीके के लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हो गया वोटू? वोटू बन लेना ज्ञापन का, वोटू आ रही है ना। चलिए भाई मिश्रा जी, हेलो नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। अच्छा ये 2023 में अभी ये जीते हैं कोर्ट में, तो भी नहीं बराबर जीते के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही कोई। ठीक है, कोई हमारी मांग को आइए। अच्छा चलिए।